नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पुलिस वाला न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में चल रही मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम के तहत एसटीएफ और खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए इंदौर के पालदर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में हिंग की फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान कई क्विंटल मिश्रित हिंग सहित कई मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। इंदौर के पालदा क्षेत्र स्थित हिम्मत नगर में संचालित एमके ट्रेडर्स नामक हिंग की फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई है। बता दें, पिछले दिनों मिलावटखोरी के खिलाफ मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर एक मुहिम चलाई गई थी। उसी के तहत मुखबिर तंत्र के आधार पर एसटीएफ द्वारा सूचना पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर छापामार कार्यवाही करते हुए 14 क्विंटल मिश्रित हिंग व 31 क्विंटल हिंग बनाने की सामग्री फैक्ट्री से जब्त की गई है। बताया जा रहा है, फैक्ट्री जगदीश मखीजा और मुकेश मखीजा द्वारा संचालित की जा रही थी, जिनसे भी अधिकारी पूछताछ में जुटे हुए हैं। तो वहीं फैक्ट्री में खाद्य विभाग द्वारा पाया गया कि जो हिंग से सामग्री बनाई जा रही थी वह पूरी तरह से गलत तरीके से बनाई जा रही थी। बनाने की सामग्री यदि खाने के उपयोग में ली जाती तो ग्राहकों की तबीयत भी खराब होने की संभावना थी। इन्हीं सब तथ्यों को लेकर कार्यवाही के दौरान सबूत जुटाए गए हैं और आने वाले समय में खाद्य विभाग द्वारा न्यायालय में सभी साक्षी पेश किए जाएंगे, उसी के आधार पर जांच भी की जा रही है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा जो मिलावटी और जो सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री के संबंध में जो मुहिम चल रही है उसमें एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें फूड डिपार्टमेंट के साथ में पालदा में दबिश देके एक फैक्ट्री से करीब खड़ा गोंद करीब करीब 40,000 रुपये का और रिफाइंड ऑयल करीब 15,700 रुपये का, फिर इसके अलावा एक केमिकल है उसको कुछ ये चटनी इत्यादि बोलते हैं उसको, उसकी भारी तादाद में एक हिंगड़ा करके 200 किलो करीब 2,40,000 का और बनी हुई हींग 50 किलो करीब 50,000 रुपए की, ये अमानक पाई जाने पे और सब स्टैंडर्ड जो होती है बिलो स्टैंडर्ड इसको जब्ती की कार्रवाई फूड डिपार्टमेंट द्वारा की गई है। और इसमें जो जब्ती के उपरांत उसको सैंपल लिए गए, सैंपल लेके सामग्री को वहीं सील बंद करने की इत्यादि कार्रवाई जारी है। इसमें ये भी देखा गया कि काफ़ी जो सामग्री थी जो मैदा इत्यादि वो उन्होंने ज़मीन पे डाल करके बना रहे थे जो हाइजीनिक नहीं था, और इसके अतिरिक्त जो सामग्री बनाई थी उन्होंने उसकी केक वगैरह जो बनाई थी वो भी खुले में और अनहाइजीनिक और बिना किसी सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बनाई गई थी। इस सब कार्रवाई में अभी कार्रवाई लगातार जारी है और आगे जो प्रकरण फूड डिपार्टमेंट द्वारा संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या नाम है मालिक, कौन था? अभी ये पूरी डिटेल्स ले रहे हैं, पर ये कोई एमके ट्रेडर्स करके नाम सामने आया है अभी उसका, और ये सब जानकारियां फूड डिपार्टमेंट द्वारा सब जब्ती और इत्यादि कार्रवाई जारी है। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।